अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट सिविल इंजीनियर। गाइस, आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है हाउ टू कैलकुलेट रोड ग्रेडियंट विथ ऑटो लेवल मशीन। मैं एंड में आपको ऑटो लेवल मशीन से भी सिखाऊंगा। अभी अभी हम देख लेते हैं कि हमारा व्हाट इज ग्रेडियंट ऑन रोड, ग्रेडियंट क्या कहलाता है। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है द रेट ऑफ राइज और फॉल अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजेंटल इज कॉल्ड ग्रेड और ग्रेडियंट। हमारे जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस के साथ जो हमारा सब्जेक्ट राइज एंड फॉल होता है उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है, ये हमारा ग्रेडियंट है, ठीक है। इसका रेट दिया हुआ है 1:20। ये आपको बेसिकली आप जब आप एक ड्राइंग रीड करते हो उस पर आपका जो इंजीनियर होता है वो आपको ये रेट दे देता है। आपने इसके हिसाब से स्लोप देना होता है अपना रोड का जो ग्रेडियंट होता है आपका, ठीक है। ये सिर्फ आपको इंजीनियर देगा, बाकी काम आपने खुद करना होगा। अब ये कहलाता है क्या है, वन हमारे पास जो होता है वो राइज एंड फॉल होता है, ठीक है। 20 जो रिप्रेजेंट करता है वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होता है हमारा। ये रेट डिफरेंट होते हैं, 1:20 होता है, 1:200 होता है। डिफरेंट आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको रेट दिए जाते हैं। तो 1 रिप्रेजेंट करेगा हमारा राइज एंड फॉल और 20 रिप्रेजेंट करेगा हमारा हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ठीक है। अब मैं ये देखें, आप ये एक मेरा रोड है, ठीक है, ये मेरा ऊपर राइज हो रहा है। अब इस पे अब देखें, वन इसका जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस होगा 20 मीटर। ये देखें, ये हमारा होगा 20 मीटर, ये 1 मीटर राइज, ठीक है। 20 मीटर हॉरिजेंटल डिस्टेंस के बाद आपका जो राइज होगा 1 मीटर, मीन्स के हर 20 मीटर के बाद आपने राइज करना है अपने अपने जो आपके जो भी आपका प्रोजेक्ट सब्जेक्ट है आपका, उसका आपने 1 मीटर राइज करना है हर 20 मीटर के बाद। देन अगर इसके बाद आप यहाँ पे आ गए इस पॉइंट के बाद, फिर यहाँ से आपने 20 मीटर लेके आपने 1 मीटर राइज करना है, ठीक है। तो ये आपका राइज एंड फॉल डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। अब ये इसका परसेंटेज कितना निकाला है, इसका परसेंटेज होता है कितने परसेंटेज आपका स्लोप आ रहा है, तो इसकी परसेंटेज क्या बनेगी, आपकी परसेंटेज भी निकाल लेते हैं। परसेंटेज का फॉर्मूला है मेरे पास राइज अपॉन टू डिस्टेंस, ठीक है। इसको और राइज की जो मेरे पास वैल्यू है वो है 1 और डिस्टेंस मेरे पास 20। इसको मैं आपस में मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करूंगा तो मैं इसका 5% निकल आएगा। ये 5% का स्लोप है आपका, ठीक है। तो ये जो स्लोप है, आप कहीं भी जो आपकी कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, कोई भी आप मतलब आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वो सिर्फ आपको इंजीनियर आपको ये रेट देगा, ठीक है, वो परसेंट देगा। तो इस हिसाब से आप अपना ग्रेडियंट बनाते हो, ठीक है। प्रोजेक्ट कोई भी आपका फ्लाईओवर हो या अंडरपास हो, कोई कोई आपका कारपोज हो, कोई आपका पार्क हो, कहीं भी आपने स्लोप देना हो तो ये मेथड यूज होना है आपका। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऑटो लेवल मशीन से आप किस तरह स्लोप निकालते हो। ये मेरी एक ऑटो लेवल मशीन है, ठीक है, ये अपने पॉइंट पे सेट है, ठीक है। अब ये इसका रेट वही है यहाँ पे 1:20, ठीक है। अब आपने देखें इस पॉइंट पे आपका जो पॉइंट है, इस पॉइंट से आपने 1 मीटर ऊपर राइज करना है, ठीक है, और 1 मीटर नीचे फॉल करना है। तो आप किस तरह करोगे, यहाँ पे देखा आपने जो आपका मेन पॉइंट है वो ये है, इस पॉइंट पे आपने आप रीडिंग लोगे, ठीक है। इसी पॉइंट से फिर 20 मीटर डिस्टेंस पर आप एक पॉइंट लगाओगे, ठीक है, सही है। आपका सरफेस लेवल यहाँ पे सेम नहीं, आपका एक लेवल में नहीं है, ठीक है। आपका सरफेस लेवल ये जा रहा है, ये सरफेस लेवल आपके इस तरह से, ये देखिए ऊपर जा रहा है, ये एक लेवल में नहीं है, ठीक है। जब आप अपना पॉइंट से जब यहाँ पे पॉइंट से 20 मीटर डिस्टेंस पर दूसरा पॉइंट लगाओगे, फिर ठीक है, यहाँ पे सेम रीडिंग जब आप लोगे ऑटो लेवल मशीन से, आपकी जो सेम रीडिंग लोगे आप, तो ये आपका पॉइंट सेम रीडिंग पर आ जाएगा। तो आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट एक लेवल में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट से एक ऊपर पॉइंट लगाओगे 1 मीटर का और एक पॉइंट लगाओगे नीचे 1 मीटर का, ठीक है। तो इस तरह से फिर आपका ये स्लोप बन जाएगा, राइस आपका 1 मीटर हो जाएगा एंड फॉल आपका 1 मीटर ऐसे हो जाएगा। तो इस तरह भी आप अपना स्लोप निकाल लेते हो। तो गाइस, आई होप यू कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और कोई भी कन्फ्यूजन हो